नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट मिहिर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी ट्राइंग वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैसा कि आपको पता है कि वाइट वाइन बनती है वाइट ग्रेप से, और वाइट ग्रेप्स अलग अलग तरीके के होते हैं जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग खासियत होती है और अलग अलग टेस्ट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको 5 मोस्ट पॉपुलर वाइट वाइन ग्रेप्स, 5 अलग अलग तरह के जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, प्लस उनकी खासियत बताऊंगा कहाँ से वो आते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा, आपकी डेट अच्छी जाएगी, आप सही वाइन अपने लिए पिक कर सकेंगे और बहुत सारी सिचुएशन को आप ऑकवर्ड होने से बचा लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शार्डोने के बारे में, सोविनियन ब्लां, रीजलिंग, शेनन ब्लां एंड पिनो ग्रिजियो। जैसा कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये लिखा कुछ और है और मैं प्रोनाउंस किसी और तरीके से कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वे कि हम इन ग्रेप्स को इस तरह ही प्रोनाउंस करें। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप अपने लिए सही वाइन पिक कर सकेंगे इन फ्यूचर, और आपको पता चलेगा कि आपके पैलेट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी वाइन पिक करनी है, और आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो ज़रूर हो जाएगी। पहला ग्रेप है शार्डोने। इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये ग्रेप बेसिकली फ्रांस है, इसका ओरिजिन फ्रांस है, बट नाउअडेज़ ये वाला ग्रेप अब हर जगह उगने लगा है, मतलब हर जगह ग्रो होने लगा है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड, इंडिया, कनाडा, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस ग्रेप। इस ग्रेप की खासियत मैं आपको बताऊं कि जब आप इस वाइन को पियेंगे, इस ग्रेप की वाइन को पियेंगे, तो आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, ग्रीन एप्पल, लेमन, पाइन एप्पल, सम नोट्स ऑफ वनीला, इफ़ अगर वो वाइन एज्ड होगी तो। सेकेंड ग्रेप पे आना चाहूँगा, इस ग्रेप का नाम है सोविनियन ब्लां। जी हाँ, सोविनियन ब्लां। इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये अगेन फ्रांस से है, बट नाउअडेज न्यूजीलैंड के सोविनियन ब्लां बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन को जो वाइट वाइन ड्रिंक करती है उसको जनरली सोविनियन ब्लां की वाइन बहुत पसंद आती है फ्रॉम न्यूजीलैंड। बताना चाहूँगा, इस वाइन को पीने के बाद आपको जो नोट्स मिलते हैं, टेस्टिंग नोट्स जो मिलते हैं, वो होते हैं ग्रीन बेल पेपर, ग्रीन एप्पल, पीच, एस्पेरेगस। दिस हिंट यू विल गेट वाइल ड्रिंकिंग दिस वाइन। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफर करते हैं ग्रेप्स के अंदर। तीसरे पे माना चाहूँगा रिजलिंग पे। रिजलिंग पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ये स्वीट भी हो सकती है, ये सेमी स्वीट भी हो सकती है, और ये ड्राई भी हो सकती है, डिपेंड करता है ये आती कहाँ से है। अगर ये फ्रांस से आ रही है, फ्रांस के अलसास रीजन से आ रही है, तो वो रिजलिंग वाइन बहुत ड्राई होने वाली है। अदरवाइज अगर ये जर्मनी से आने वाली है, क्योंकि इस ग्रेप का ओरिजिन जर्मनी है, बट नाउअडेज अगेन ये आपको हर जगह मिल जाएगा इस ग्रेप, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली एंड मैनी मोर कंट्रीज आर देयर। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे एप्रिकॉट, हनी क्रिस्प, एप्पल एंड पियर एज वेल। दिस इज़ द वाइन आई लव द मोस्ट। अब आना चाहूँगा मैं फोर्थ ग्रेप पे, विच इज़ शेनन ब्लां। यस, दिस इज़ शेनन ब्लां। इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये अगेन फ्रांस से है, इसके रीजन आपको मिल जाएंगे साउथ अफ्रीका, लोअर वैली इन फ्रांस एज वेल। इसके टेस्टिंग नोट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको टेस्टिंग नोट्स मिलेंगे फ्लेवर ऑफ पीच, गुआवा एंड टेस्ट नोट्स ऑफ जिंजर एंड हनीकॉम एज वेल। तो एज यू कैन सी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेप्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कहीं कहीं जगह के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के फेमस हो रही हैं वाइन। तो इसी तरीके से आपको थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें ग्रेप को, और आपको पता हो कि इसमें क्या नोट्स मिलने वाले हैं आपको पीने से पहले। आना चाहूँगा लास्ट ग्रेप पे, इटली का बहुत ज़्यादा फेमस ग्रेप है पिनो ग्रिजियो, इसको प्रोनाउंस करते हैं पिनो ग्रिजियो। इसके अंदर आपको जो नोट्स मिलेंगे वो होंगे मेलन, लाइम, सम एप्पल, सम हनी एंड स्पाइसेस एज वेल। वैसे ये ग्रेप फ्रांस है, बट ये इटली का बहुत फेमस ग्रेप है। ये ग्रेप की वाइन आपको यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ मिल जाएंगे जो ये ग्रेप की वाइन बना रही हैं, क्योंकि इंडिया भी इन सब ग्रेप्स में बहुत आगे जा रहा है। इंडिया के अंदर भी आप अगर फ्रतेली की वाइन ट्राई करो, सोला कंपनी की वाइन ट्राई करें, तो शार्डोने, सोविनियन ब्लां, ये इन ग्रेप की वाइन्स भी बहुत अच्छी बनाते हैं, और इंडिया कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है और बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। आई होप
आपको इस वीडियो से एटलीस्ट 5 व्हाइट वाइन ग्रेप्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हो गई हो कि उन्हें बोलना कैसे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप अपने मन की अपने पैलेट की वाइन खरीदेंगे कि हाँ आज मुझे रीजलिंग पीनी है या फिर सोविओ ब्लांक ट्राई करनी है। और अगर आपको लगता है ये किसी आपके फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को हेल्प करेगा, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।